तो यार आज के दिन मैं अपनी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में 30 से ज्यादा सुपर रियलिस्टिक इंडियन मोड्स डाल के देखने वाला हूँ कि क्या अपनी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन फुल्ली रियलिस्टिक बन सकती है या फिर नहीं। यार ज्यादा बातें ना करते चलिए शुरू करते हैं। यार विदाउट मोड्स माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन देख लो कुछ इस तरह से दिखती है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा इस तरह से यार जंगल देखकर तो कोई मजा नहीं आता। यार हम है शहर वाले बंदे। इसीलिए मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया नेव क्लार्क सिटी V4, जिसकी मदद से इस पर काफ़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स भी आ चुकी है एंड साथ ही साथ में वाटर टैंक्स, पेट्रोल पंप एंड मोबाइल टावर्स जैसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें भी इसमें आ गई है। यार एक क्लार्क सिटी भी कुछ खास नहीं दिख रही है क्योंकि इसमें कुछ कमी है। यार उसी कमी को कम करने के लिए मैंने इसमें डाल दिया रियल सोर्स ऑफ RTX, जिसकी मदद से काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर इनहांस हो चुके हैं भैया। और यार इसी टेक्सचर के साथ साथ कोई अच्छा शेडर पैक भी होना चाहिए, इसीलिए मैंने टैमरिंस लेगेसी लाइट का शेडर पैक इंस्टॉल कर दिया, जिसकी मदद से ये काफ़ी इनहांस ग्राफिक्स हो चुके हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और यार इस शहर में अकेले अकेले घूमने का कोई मज़ा नहीं है। यार इसीलिए मैंने इस पर ऐड कर दिया NPC एड ऑन, जिसकी वजह से इस पर काफ़ी ज़्यादा वाले NPCs आ चुके हैं, वो भी नेक्स्ट लेवल ग्राफिक के साथ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बंदे भी है। एंड यार ये इतने सारे बंदे आ चुके तो यार इनके खाने पीने के लिए भी कुछ होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया द फास्ट फूड एड ऑन, जिसकी मदद से इसमें काफ़ी सारे पिज्ज़ा, सोडा, मैकडी, बर्गर और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो गई है। यार अभी हेल्थी बंदों के लिए भी कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि यार हेल्दी बंदे भी कुछ ना कुछ तो खाएंगे, इसीलिए मैंने हेल्दी बंदों के लिए ऐड कर दिया द फ्रूटेबल ट्री करके ऐड होने, जिसके वजह से इस गेम में काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ के फ्रूट्स आ जाते हैं लाइक ग्रेप्स, बनाना, मैंगो एंड मोर। फिर यार इतने बड़े शहर में घूमने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ही रहेगा, इसलिए मैंने इस में मोड ऐड कर दिया द बाइक। बाइक मोड ऐड करने के बाद मेरे को मिल चुकी थी ये बाइक साइकिल, वो भी काफ़ी बढ़िया थी। एंड फिर यार थोड़ा और ढूंढने के बाद मेरे को मिला होंडा सुपर X125 का ये वाला मोड, जिसकी मदद से काफ़ी बढ़िया सी स्कूटी आ चुकी थी गेम में और वो भी काफ़ी बढ़िया लग रही थी देखने में। कार वाले बंदों के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना था, इसलिए मैंने H1 कार करके एक मोड आता है वो ऐड कर दिया, जिसकी मदद से बढ़िया सी SUV गेम में आ चुकी थी। एंड फिर यार सेडान लवर के लिए भी कुछ करना था, इसलिए मैंने Z1 सेडान करके आती है उसको भी ऐड कर दिया, जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। और यार साथ ही साथ में मैंने ऐड कर दिया था सुजुकी कैरी, यानी कि ये सुजुकी का ये टेम्पू, जो भी आप कहते हो, मैं तो टेम्पू ही कहूँगा भैया। और फिर यार मैंने इसमें ऐड कर दिया 2016 का एग्जॉस्टिक राइड्स, जिसकी मदद से हमारे गेम में आ जाती है LF Ferrari, जो कि दिखने में काफ़ी बढ़िया लगती है। एंड यार अब इतनी सारी कार्स तो रोड पर नहीं घूम सकती एक साथ, इसीलिए मैंने ऐड कर दिया था एलिगेंट बस, जिसकी मदद से एक बढ़िया सी बस स्पॉन हो चुकी थी गेम में, इतनी सारी कार्स एंड बस आ ही चुकी है। यार इसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी चाहिए, तो इसलिए मैंने पुलिस कार का एड ऑन ऐड कर दिया, जिसका नाम था डॉज चार्ज, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है, माफ करना, डॉज चार्ज करके एड ऑन था उसी को मैंने ऐड कर दिया। एंड कार काफ़ी दिखने में बढ़िया लग रही थी एंड अंदर से भी देख लो कितनी प्यारी लग रही है। पर यार कार तो आ गई थी, अब मेरे को जरूरत थी थोड़े बहुत पुलिस वाले की, इसलिए मैंने ऐड किया था गर्ल गार्ड, जिस गार्ड भी गेम में आ सकती है। एंड यार फिर मैंने ऐड कर दिया था मेन गार्ड, जिसकी मदद से एक मेन पुलिस ऑफिसर भी आ सकता है। एंड फिर यार मैंने इसमें ऐड कर दिया था टेररिस्ट एड ऑन, जिसकी मदद से यार गेम में काफ़ी सारे टेररिस्ट आ जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये छोटा सा बंदा भी ना, जिसकी मदद से एक छोटा सा बंदा देख रहे हो आप क्या ही कांड कर रहा है, पुलिस वाले को एक को निपटा दिया दूसरे को भी निपटा दिया। यार इतने सारे टेररिस्ट भी आ चुके हैं तो अभी कुछ गन्स भी चाहिए, इसलिए मैंने ऐड कर दिया था एम्यूनेशन एड ऑन, जिसकी मदद से गेम में काफ़ी सारी गन्स, ग्रेनेड्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे आपने स्क्रीन पर देख लिया। और यार इसमें मेरी फेवरेट थी AK-47, जिसकी मदद से आप किसी को भी मिनटों में हरा सकते हो, यार तलवार से क्या ही मारोगे। यार अब फाइनली बात आ जाती है अपने घर के अंदर की चीज़ों की, तो यार घर के अंदर भी आपको पता ही है डेकोरेशन के लिए कुछ ज़्यादा सामान नहीं मिलता माइनक्राफ्ट में, इसी बात को ध्यान में रखते हो मैंने ऐड कर दिया बाथरूम सेट टेड ऑन, जिसकी मदद से हमें देखने को मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा बाथरूम की एसेसरीज लाइक वॉश बेसन हो गया, बाथटब, टॉयलेट सीट एंड बकेट्स, मैनी मोर। यार जैसे कि आप बाथटब में बैठ भी सकते हो एंड टॉयलेट सीट पर भी बैठ सकते हो, काफ़ी मतलब ये देखने में इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा वियर्ड सा भी लगता है। और यार हम गेमर्स लोग की कमजोरी होती है अपना गेमिंग सेटअप, यार इसीलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया था गेमर्स ऑब्जेक्ट,
जिसके मदद से गेम में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पीसी, लैपटॉप, गेमिंग चेयर, आर्केड मशीन ओल्ड जनरेशन वाली, एंड साथ ही साथ में बड़ा सा टीवी जिसके साथ में अटैच है PS5, एक्सबॉक्स एंड जाइंट कंट्रोलर, जिसके मदद से आप कोई भी गेम नहीं खेल सकते। और यार फिर मैंने ऐड कर दिया था लेंस फर्नीचर एड ऑन, जिसके मदद से काफ़ी बढ़िया फर्नीचर आया था, जस्ट लाइक दिस फैन एंड दिस क्राउच। और यार इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लाइक टीवी के साइड टेबल्स हो चुके हैं एंड नॉर्मल लैपटॉप लाइक मैकबुक एंड मैक प्रो, नॉर्मल चेयर एंड काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती है। साथ ही साथ में यार जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इतनी सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती है। और यार घर का काम तो थोड़ा बहुत तो हो ही चुका था, तो साथ ही साथ में मैंने सोचा यार चलो किचन के लिए भी कुछ कर लेते, बट किचन के बारे में मेरे को कुछ खास पता नहीं था क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसलिए मैंने सिंपल एक किचन फर्नीचर ऐड ऑन करके आता है उसे ऐड कर लिया, बट यार वो कुछ इतना खास चला नहीं और थोड़ी बहुत चीज़ें ही स्पॉन हुई, बट ठीक है यार। किचन मोड से हटते ही मैंने सोचा कि यार माइनक्राफ्ट की पेंटिंग्स काफ़ी घटिया होती है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया द रियलिस्टिक पेंटिंग ऐड ऑन, जिसकी मदद से माइनक्राफ्ट की घटिया सी पेंटिंग्स रियलिस्टिक पेंटिंग्स में चेंज हो जाती है, जस्ट लाइक दिस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो काफ़ी मतलब बढ़िया सी पेंटिंग्स आ जाती है। घर का तो सारा काम काज हो चुका था, तो और यार अब मेरे को बाहर भी जाना है, तो बाहर जाने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो बैग तो चाहिए, इसलिए मैंने ऐड कर दिया द बैकपैक ऐड ऑन, जिसकी मदद से आपके पास एक बढ़िया सा बैकपैक आ जाता है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्या ही बढ़िया लग रहा है ये। और यार मैंने इस सिटी के प्रोटेक्शन के लिए मैंने मोड ऐड कर दिया था इंडियन आर्मी, जिसकी मदद से ये काफ़ी बढ़िया बढ़िया इंडियन आर्मी सोल्जर्स भी आ जाते हैं एंड फाइटर जेट्स भी। यार इसमें मेरा पर्सनल फेवरेट तो वो बंदा है जिसने अपने हाथ में इंडिया को उठा रखा है, मतलब कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि यार काफ़ी बढ़िया लगता है एंड मतलब मज़ा भी आया इसे देखकर। यार अगर इंडियन आर्मी आ ही चुकी है तो इंडियन आर्मी की शानदार सवारी भी आ जानी चाहिए, इसीलिए मैंने ऐड कर दिया था M1A2 टैंक ऐड ऑन, जिसकी मदद से एक बढ़िया सा टैंक आ जाता है। और यार ये टैंक ना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, इससे आप कुछ भी उड़ा सकते हो, जस्ट लाइक दिस, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा मैंने काफ़ी बढ़िया बड़ी बिल्डिंग को एक झटके में निपटा दिया और मतलब काफ़ी बढ़िया थी। हाँ यार गाइस ये टैंक चलता भी है और काफ़ी बढ़िया ढंग से चलता है भैया। यार अब बारी आ जाती है थोड़ी उड़ने की, सो यार इसीलिए मैंने ऐड कर दिया द हेलीकॉप्टर ऐड ऑन, जिसके मदद से आप एक हेलीकॉप्टर स्पॉन कर सकते हो एंड के मामले में काफ़ी बढ़िया था, जस्ट लाइक GTA गेम्स, मतलब बढ़िया ही चल रहा था एंड मज़ा भी आ रहे थे। यार माइनक्राफ्ट में ना हमेशा हम लोग ना डॉग्स के नाम पर वुल्फ्स को ट्रेन करते, तो यार इसी दिक्कत को फिक्स करते हुए मैंने सोचा इसमें एक ऐड ऑन भी डाल देते, इसीलिए मैंने डाल दिया द मोर डॉग्स ऐड ऑन, जिसकी मदद से माइनक्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा डॉग्स की वैरायटी आ जाती है, वो भी डॉग्स वाले, वुल्फ नहीं मतलब कि रियल डॉग्स आ जाते हैं। डॉग्स काफ़ी बढ़िया है एंड ये एक पेट लवर के लिए काफ़ी बढ़िया मोड हो सकता है, सो चेक कर लेना। एंड यार इसी के बाद मैंने डाल दिया द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐड ऑन, जिसकी मदद से काफ़ी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, लाइक ड्रम सेट, पियानो, हारमोनिका, माइक एंड काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी भी है जो मेरे को भी नहीं पता क्या है, एम्पलीफायर भी है और बढ़िया सी चीज़ है। इन सभी चीजों के साथ साथ मैंने ऐड कर दिया द आउटसाइड डोर एस्केप, जिसके मदद से आ जाती है ये बढ़िया सा टेंट, कैंप फायर, ओक लॉग एंड साथ में एक स्लीपिंग बैग। और हाँ ये टेंट की क्वालिटी कुछ बढ़िया नहीं है मेरे को पता है, सो कोई बात नहीं। तो यार फाइनली मैंने कंप्लीट कर दिया 30 मोड्स, तो यार आपको इसमें से कौन सा मोड बढ़िया लगा वो मेरे को कमेंट करके बताओ। और हाँ ये सारे के सारे मोड्स के लिंक ना आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं देख सकता क्योंकि पिछली बार दिया था और यूट्यूब ने मेरे साथ कुछ ये कर दिया, तो यार प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाओ और मैंने पोस्ट डाली दी होगी आज के दिन ही, सो यार जल्दी से चेक कर लो एंड आपको मोड पसंद हो ले लो, और अगर पसंद आता है इंस्टाग्राम अकाउंट तो भी फॉलो करना, वरना कोई बात नहीं। बाय।